हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ेंगे अ पठित अवबोधनम। मैंने पहले भी आपको इसका एक वीडियो भेज दिया है। आज मैं आपको एक गद्यांश करवाऊंगी संस्कृत का। उसमें समझाऊंगी कि किस प्रकार से आपको गद्यांश के अर्थात अ पठित अवबोधनम के आंसर्स देने हैं, उत्तर देने हैं। उसको दो तीन बार पढ़ना है। जब तक उनके हिंदी अर्थ आपको नहीं आएंगे तब तक आप उनके उत्तर नहीं दे सकेंगे, ठीक है? तो वो करते हैं हम। ये है अपठित अवबोधनम गद्यांश। इस प्रकार का गद्यांश आएगा आपके, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही आए, इस प्रकार का आएगा, ठीक है? ये है रामायण पर है आपका गद्यांश। ऋषि वाल्मीकि महाकवि आशित, यानी ऋषि, ऋषि का नाम क्या है? वाल्मीकि। तो ऋषि वाल्मीकि महाकवि थे। कौन थे? महाकवि थे। कौन? वाल्मीकि ऋषि। सह अर्थात वह रामायणम अरचयत, उन्होंने रामायण को रचा या लिखा। सह का मतलब वह होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार यहाँ उन्होंने उन्होंने रामायण को रचा। वाल्मीकि ही महाकवि मन्यते, वाल्मीकि महाकवि माने जाते हैं, ठीक है? महाकवि आदि कवि मन्यते, आदि कवि माने जाते हैं, अर्थात सबसे प्रारंभ में जो कवि थे, आदि कवि, सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभ में जो कवि थे वो थे वाल्मीकि, आदि कवि माने जाते हैं। रामायणम आदि काव्यम अस्ति, रामायण जो है अपना आदि काव्य है, यानी सबसे पहला और प्रारंभिक जो काव्य है, इसको क्या नाम दिया गया है? आदि काव्यम, ठीक है? आदि काव्यम रामायणे श्री रामस्य कथा अस्ति। रामायण में किसकी कथा आती है? श्री राम की कथा आती है। तो रामायणे ने रामायण में श्री रामस्य कथा आशित, श्री राम की कथा है। रामस्य कथा अस्ति, श्री राम की कथा है। श्री राम है सब जनकस्य दशरथस्य आज्ञाम अपालयत। श्री राम जो है सब जन कश्य, यानी स्व यानी अपने, जनकश्य पिताजी की क्या नाम है? दशरथस्य आज्ञाम अपालयत, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को पाला। सह सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वने अवसत, सह यानी वह, या वो सीता लक्ष्मणाभ्याम, सीता और लक्ष्मण सह के दोनों के साथ वने अवसत, दोनों के साथ में वन में रहे या बसे थे। वह जो है कौन? वह किसके लिए आया? राम जी के लिए। तो वह जो है सीता और लक्ष्मण के साथ में वन में रहे थे। सह रावणम अमारियत, उन्होंने रावण को मारा था या रावण का वध किया था। राम राज्य सर्वे धर्मस्य मार्गेण चलन्ति स्म है, राम राज्य अर्थात राम राज्य में सर्वे सभी धर्म के मार्ग पर, सर्वे धर्मस्य धर्म के मार्गेण मार्ग पे, रास्ते पे चलंती चलते स्म थे, है ना? चलंती तो अभी वर्तमान काल का, लेकिन इसकी स्म लग गया तो पास्ट में चला गया, इसकी क्रिया चलते थे। श्री राम है आदर्श पुत्र आदर्श राजा च आसीत, च का क्या अर्थ होता है? और, आपके इंग्लिश में एंड होता है ना, तो उसका संस्कृत में क्या होता है? च। तो जैसे राम और श्याम, तो हिंदी में तो बीच में पहले आ गया ना राम और श्याम, लेकिन संस्कृत में तो लिखोगे तो राम श्याम च, संस्कृत में और दोनों के नाम के बाद में आएगा, हिंदी में दोनों के नाम के बीच में और आता है, ठीक है? तो श्री राम है आदर्श पुत्र और क्या थे? आदर्श राजा थे, है ना? आदर्श राजा च आसीत, तो और आदर्श राजा थे। तस्य राजे जनाः सुखिनः आसन्, उनके राज्य में लोग थे वो सुखी थे। किनके राज्य में? श्री राम जी के राज्य में, ठीक है? अब इनके देखो किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना आपको। कह ऋषि महाकवि आसीत, कौन से ऋषि महाकवि थे, क्या नाम था उनका? कह का मतलब कौन, एक के लिए पूछा है, तो देखो कह कौ के पढ़ा है ना आपने, तो कह का मतलब कौन ऋषि महाकवि आसित थे, है ना? कौन थे? वाल्मीकि ही, क्या आएगा? वाल्मीकि ही। ऊपर देखिए ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसित,
तो आपके गद्यांश में उत्तर है ना, तो क्या आएगा, एक पदेन उत्तर, एक पद में देना है आपको वाल्मीकि ही। किम आदि काव्यम अस्ति, आदि काव्य क्या है अपना, आदि काव्य क्या है तो रामायणम आदि काव्यम अस्ति। तो क्या आएगा एक पद में उत्तर, रामायणम, रामायणे कश्य कथा अस्ति, रामायण जो है किसकी कथा है, किसकी कथा है रामायण, राम जी की है, तो रामः आएगा, ठीक है, रामायणे रामः कथा अस्ति, या श्री रामस्य, क्या कर दोगे आप, कश्य है तो क्या लिखोगे, श्री रामस्य, रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कुत्र अवसत, कुत्र का मतलब कहाँ, अभय शब्द है, कुत्र कहाँ, सह साथ, तो राम सीता लक्ष्मण के साथ, सह साथ कुत्र कहाँ अवसत, वन में, तो वन में का क्या आएगा, वने, क्या उत्तर आएगा, वने। इस प्रकार बच्चों आपके गद्यांश आएंगे, इस प्रकार आपको संस्कृत में लिखे हुए 4-5 लाइनें मिलेगी और उनका इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है, और 5वां क्वेश्चन कितने के होंगे, 5 नंबर के, तो एक पद में आपको उत्तर देना है, सबसे पहले पैराग्राफ जो आपका गद्यांश है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उनके उत्तर देने हैं, ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।